बात हापुड़ की करें तो हापुड़ के पिलखुआ में मुंह में पेट्रोल भरकर आग का करतब दिखाना महंगा पड़ गया है। करतब दिखाने के चक्कर में आग ही लग गई और इस आग में 5 बच्चों समेत 8 दर्शक भी झुलस गए। अब झुलसे लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। देखिए करतब दिखाने आए थे। भैया बुझाओ, भैया निकालो, भैया जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ हापुड़ में करतब देखने लोग आए थे और ये करतब करने आए थे जनाब मुंह में पेट्रोल भर के, लेकिन ये करतब भारी पड़ गया, कई लोग झुलसे हैं। देखिए इसमें 5 लोगों के झुलसने की खबर आ रही है और वो अस्पताल में भर्ती हैं और अफरा तफरी का माहौल हो गया। जल्दी जल्दी। ये देखिए मुंह में पेट्रोल भर के करतब दिखाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन ये महंगा पड़ गया क्योंकि कई लोग झुलस गए। जो लोग तमाशा देखने आए थे वो भी झुलसे हैं और जो करतब दिखा रहा था वो भी झुलस गया है। तो ये मनोरंजन भारी पड़ गया। यहाँ पर पिलखुआ हापुड़ का इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर पेट्रोल मुंह में भर के आग लगाने वाला करतब चल रहा था। तमाशे को देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए और गाजे बाजे के साथ ये तमाशा शुरू हुआ। देखने तो लोग आए लेकिन इन्हीं में से 5 लोगों के झुलसने की खबर आ रही है, उनको अस्पताल भर्ती कराया गया। राजनगर इलाके में लाखों की लूट हो गई है। बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर बदमाशों ने ये लूटपाट की है। वारदात के वक्त घर में अकेले थे ये कारोबारी और उनकी पत्नी बुजुर्ग थे और हथियारों के बल पर इस दंपत्ति को पहले बंधक बनाया गया फिर लूट की गई और ये सब कुछ हुआ पुलिस चौकी से सिर्फ 50 कदम की दूरी पर। तो देखिए यह है कानून व्यवस्था गाजियाबाद की। एक खबर हमने आपको बताई कि बच्ची का शव मिला है, दूसरी खबर यह है कि बुजुर्गों के साथ ये वारदात हुई है, उनको बंदूक के दम पर हथियारों के दम पर पहले बंधक बनाया गया। ये पौश इलाके का मामला है, आप देखिए अच्छा सा घर और गेट दिखाई दे रहा है और उसके भीतर ही ये बुजुर्ग दंपत्ति मौजूद थे, इनको बंधक बनाया गया, लूटपाट की गई है और ये सब कुछ पुलिस चौकी से 50 कदम की दूरी पर हुआ है। तो हौसले कितने बुलंद है आप समझिए, पुलिस चौकी है, सीसीटीवी है, एक ठीक ठाक घर में लूटपाट करते हैं और फरार हो जाते हैं। ये कि 15 डॉक्टर्स की टीम को फिरोजाबाद के लिए भेज दिया गया है। ये 15 डॉक्टर्स की टीम है जिसमें 12 डॉक्टर कानपुर से शामिल किए गए हैं, 3 डॉक्टर आगरा से हैं और ये सब के सब फिरोजाबाद पहुंच रहे हैं। कल सीएम योगी ने भी फिरोजाबाद का दौरा किया था। आज दोपहर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी इन परिजनों से मुलाकात करेगा। तो फिरोजाबाद की स्थिति यह है कि वायरल और तमाम परिस्थितियां नजर आ रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभी क्या चल रहा है, हमारे सहयोगी कृष्णा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कृष्णा बताइए अभी हालात कैसे हैं, 2 बच्चों ने और दम तोड़ दिया, ये प्रतिनिधि मंडल कब तक पहुंचेगा, क्या बताया जा रहा है? जी स्मिता, मैं आपको बता दूं ये प्रतिनिधि मंडल यहाँ तो सही है, जो हॉस्पिटल है यहाँ 200 बच्चों करीब भर्ती हैं, ये करीब 1 बजे तक यहाँ पहुँचने की इसकी आशंका है। और अभी की स्थिति ताजा मैं आपको बता दूं, अभी आधे घंटे पहले एक 14 साल की बच्ची नंदिनी की डेथ हुई है। वो 3 दिन से बीमार थी, उसके प्लेटलेट कम हो गए थे, उसके परिजनों का रो रो कर बुला हाल है। उनका यही आरोप है कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है, रात को डॉक्टर मिलते नहीं है। इसी को लेकर कल योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक की थी, उसमें 15 डॉक्टर यहाँ भेजने के लिए कहा था और 13 डॉक्टर कानपुर से आ रहे हैं, 2 डॉक्टर आगरा से आ रहे हैं। जी इसने लगा कृष्णा एक बार फिर से बताइए 100 बच्चे भर्ती हैं और कब से भर्ती हैं और कितने डॉक्टर हैं इन बच्चों के देखरेख के लिए? अभी 100 से अधिक ज्यादा बच्चे हैं, 180-184 बच्चे भर्ती हैं। कितने डॉक्टर हैं अभी? अभी 4 से 5 डॉक्टर इन्हें देख रहे हैं। जी कब से देख रहे हैं 4 से 5 डॉक्टर कृष्णा इन 150 से ऊपर बच्चों को? ये अभी मुख्यमंत्री आए उससे पहले यही स्थिति थी, 10 से 15 दिन से यही चला रहा है, यही डॉक्टर इन्हें देख रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा डॉक्टर नहीं है। तो ये फिरोजाबाद की स्थिति है, डॉक्टर्स की कैसी किल्लत है कि 4 डॉक्टर मौजूद है और 150 से ऊपर बच्चे हैं, किस तरीके से देखभाल होगी, रेख होगी, ये हम आप समझ सकते हैं। बहरहाल कृष्णा आपका शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर।